हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चा। बिजनेस का जो खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें कहता है कि हमारे एक्सपेंसेस तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट ड्यू डेट पर हो जाती है, यानी जब भी एक्सपेंस ड्यू होगा तभी आप तुरंत उसकी पेमेंट कर दोगे, तो उसे हम कहेंगे पे ऑन ड्यू डेट। दूसरा होता है हमारा पे बिफोर ड्यू डेट, ऐसा एक्सपेंस जो अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने पहले ही उसे पे कर दिया, तो ये हमारा एक एडवांस पेमेंट है। तो जिस एक्सपेंस की पेमेंट ड्यू होने से पहले हो जाती है वो हमारा पे बिफोर ड्यू डेट कहलाता है। और तीसरा होता है हमारा ड्यू बट नॉट पेड, ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा, तो ये हमारी लेट पेमेंट है कि एक्सपेंस पहले ही ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा। तो ये हमारे तीन तरीके के एक्सपेंस होते हैं। अब इन तीनों को लेकर एक एग्जांपल देखते हैं, तब जाके अच्छे से बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल है। अब मान लो कि बिजनेस ने अपने इम्प्लॉयज को फरवरी मंथ की सैलरी पे करनी है। अब बिजनेस है तो उसके अंदर इम्प्लॉयज भी हैं और इम्प्लॉयज को सैलरी भी पे करनी पड़ती है, और सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर बिजनेस ने फरवरी मंथ की सैलरी पे करनी है अपने इम्प्लॉयज को। जैसे ही फरवरी की सैलरी ड्यू होगी फरवरी के एंड में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में, तभी अगर बिजनेस सैलरी पे कर दे तो उसे बोला जाएगा पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, और ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है तो अगर ड्यू डेट पर पे कर दिया जाए तो वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सैलरी फरवरी मंथ की है लेकिन बिजनेस ने दिसंबर 2022 में ही फरवरी मंथ की सैलरी पे कर दी, यानी एडवांस में ही सैलरी पे कर दी, खर्चा फरवरी 2023 का है लेकिन पे कर दिया जा रहा है दिसंबर 2022 में, तो इस केस में ये तो एडवांस पेमेंट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू से पहले ही एक्सपेंसेस पे कर दिया गया। तो अब ये एक्सपेंसेस की एडवांस पेमेंट कहलाता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारा एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, जो एक्सपेंस की पेमेंट आप एडवांस कर देते हो ड्यू डेट से पहले कर देते हो वो एक्सपेंस आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो यहाँ पर दिसंबर 2022 जब से आपने सैलरी पे करी है एडवांस में, तब से लेकर फरवरी 2023 यानी जब तक सैलरी एक्चुअल में ड्यू ना हो जाए तब तक के टाइम पीरियड के बीच में हम इस एडवांस सैलरी पेड को प्रीपेड एक्सपेंस का नाम देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा और ये बिजनेस का एसेट बनेगा। सीधी बात है, आपने उस खर्चे की पेमेंट पहले ही कर दी जिसकी सर्विसेज अभी तक आपने यूज ही नहीं करी है। तो जो सर्विस आपने अभी तक नहीं ली उसकी पेमेंट अगर आप एडवांस में कर दो तो वो तो आपका एसेट बनेगा ही बनेगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंस को आप डिटेल में पढ़ो जाके, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब बता रखा है, उसकी जनरल एंट्री बता रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उसका कैसे ट्रीटमेंट करा जाएगा वो समझा रखा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर जितनी भी बातें अकाउंटिंग के अंदर होती हैं सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर समझा रखी है। तो आप प्रीपेड एक्सपेंस के लिए उस वीडियो को जाके पढ़ो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ही हमारे पास एक और एक्सपेंस होता है जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो अगर फरवरी 2023 की सैलरी की पेमेंट जून 2023 में करी जाए, यानी यहाँ पर लेट पेमेंट हो रही है, खर्चा फरवरी का है लेकिन पे करा जा रहा है जून में, यानी पेमेंट करी जा रही है आफ्टर ड्यू डेट, पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट, तो फिर उस केस में जब से सैलरी ड्यू हुई है तब से लेकर जब तक सैलरी पे नहीं होती उस टाइम पीरियड के बीच में हम इस सैलरी के एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानेंगे। ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। तो सैलरी ड्यू हुई थी फरवरी में और पेमेंट करी गई जून में, तो फरवरी से लेकर जून के बीच में जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए ये जो सैलरी का एक्सपेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि आपने इम्प्लॉयज की सर्विसेज तो यूज कर ली लेकिन इम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं करी, तो ये सैलरी आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है इसको आप समझोगे, इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखी है। जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंस के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेकर भी एक अलग वीडियो तैयार कर रखी है जो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है ये बता रखा है, उसकी जनरल एंट्री बता रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी समझा रखा है। तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को जाके जरूर समझ लेना ताकि आपका ये एक्सपेंस वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट वाला ही पॉइंट समझा रहा हूँ, बाकी ये दोनों पॉइंट प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको जाके समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लेना तभी आपका ये एक्सपेंस वाला पॉइंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट ड्यू डेट पर ही हो जाए तो उस केस में किस तरह जनरल एंट्री करी जाती है वो हम देखने वाले हैं। तो इसको लेकर हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहला है हमारा एग्जांपल नंबर 52, पेड सैलरी इन कैश ₹25,000। तो बिजनेस ने 25,000 की सैलरी पे करी है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी पे करी जा रही है इसका मतलब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और साथ के साथ हमारा कैश कम हो रहा है, सैलरी पे करी जाएगी तो कैश भी कम होगा
तो 25,000 से हमारा कैश कम हो रहा है, कैश हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। नरेशन आप लिख लोगे बीइंग द सैलरी पेड, तो समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखो, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक ₹80,000, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है और पेमेंट करी गई है चेक से, तो यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल हमारे पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट के हैं कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल पे करा जा रहा है। यहाँ पर ड्यू डेट पर पेमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा गया है 80,000 का बाय चेक, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमारा एक्सपेंस है, बिल पे होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस पे होने के साथ साथ हमारा कैश भी कम होगा, कैश की जगह पर यहाँ पर बैंक लिख लेना, चेक से पेमेंट करी गई है तो बैंक कम होगा, बैंक भी हमारा असेट होता है, असेट डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो समझ में आ गया, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट की। बाकी आप प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अलग से समझ लेना। तो इसी के साथ हमारा ये 6th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, एक्सपेंसेस को हमने देख लिया,